वहीं पिछले 27 दिन से जो भगोड़ा अमृतपाल पुलिस को चका रहा है, खबर है कि अब वो सरेंडर करने वाला है, लेकिन पंजाब पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया जिसमें अमृतपाल का फंसना लगभग तय है। अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने उसके दो मददगारों को हिरासत में ले लिया है। कुछ घंटे भारी अमृतपाल की बारी। साजिश होगी राख, बबलप्रीत ने खोले राज। अमृतपाल का नंबर करने वाला है सरेंडर। कभी भेष बदलकर, कभी वाहन बदलकर, कभी साजिश रचकर, तो कभी चकमा देकर वारिस पंजाब दे का मुखिया और भगोड़ा अमृतपाल पिछले 27 दिन से खाकी के सिपह सलारों को छका रहा है। इसे किस्मत कहिए या संयोग, हर बार अमृतपाल पुलिस के हाथ से फिसल जाता है, पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ जब पुलिस इस शातिर से बस कुछ ही पल दूर थी। पुलिस काल बनकर अमृतपाल के सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन अमृतपाल पुलिस को गच्चा दे गया। लेकिन अब खबर है कि अमृतपाल सरेंडर करने वाला है। सरेंडर करने के लिए उसने अपना पूरा प्लान बना रखा है। गुरुवार को दिन भर चर्चा रही कि अमृतपाल दमदमा साहिब में आत्मसमर्पण करने वाला है। पहले दोपहर गुजरी, फिर शाम गुजर गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब चर्चा है कि 14 अप्रैल को दमदमा साहिब में वो सरेंडर कर सकता है। इसी खबर के बाद से खाकी फुल एक्टिव है। पुलिस ने तालबंडी एरिया को चारों तरफ से पुलिस नाकेबंदी कर सील कर दिया है। संदिग्ध जगहों पर पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। सूत्रों की माने तो अगर अमृतपाल 14 अप्रैल को सरेंडर करने की सोच रहा है तो 13 अप्रैल की रात को किसी तरह तलवंडी साबो में पहुंचने की कोशिश करेगा। पुलिस ने अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए उसके दो मददगार राजू और कुलदीप को होशियारपुर से हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने भी पूरा जाल बिछा रखा है। गुरुद्वारे की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कहाँ वो सरेंडर कर गया, वी हैव नो नॉलेज। तो ऐसे है, इज ए कल्प्रेट रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो अगर कोई भी पुलिस वाला उसको देखेगा तो अरेस्ट कर लेगा, दिस इज व्हाट द लॉ इज। पवलप्रीत को अमृतपाल का सबसे बड़ा राजदार माना जाता है। अब जब पवलप्रीत गिरफ्तार हो गया है, जेल की दीवारों के भीतर कैद है, तो अब अमृतपाल के लिए पुलिस से लुका छिपी कर पाना आसान नहीं होगा। पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में चप्पा चप्पा छान रही है। पंजाब पुलिस को अमृतपाल की आखिरी लोकेशन फिरोजपुर मोगा रोड की मिली थी। सीसीटीवी में आखिरी बार वो वहीं दिखाई दिया था। दरअसल पवलप्रीत और अमृतपाल फरारी के बाद से हर बार साथ नजर आए थे। कभी अमृतपाल और पवलप्रीत एक साथ बाइक से भागते नजर आए, तो कभी जुगाड़ गाड़ी पर बैठे दिखे। फरारी के बीच दोनों की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें अमृतपाल एनर्जी ड्रिंक हाथ में लिए हुए था। वहीं कुरुक्षेत्र बस स्टैंड के पास भी अमृतपाल और पवलप्रीत साथ नजर आए, तो दिल्ली में भी दोनों का वीडियो सामने नजर आया। यानी जहां जहां अमृतपाल वहां वहां पवलप्रीत साथ में था। फिलहाल अगले 24 घंटे भगोड़े अमृतपाल के लिए बहुत भारी हैं। माना जा रहा है कि अमृतपाल ज्यादा दिनों तक पुलिस से लुका छिपी नहीं कर सकेगा और जल्द ही पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल देखना होगा कि अमृतपाल जिस साजिश के तहत चल रहा है, उस साजिश को पंजाब पुलिस कैसे नाकाम करती है।